हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक गेट एंड आईएएस। क्या हाल है दोस्तों? तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज। तो अभी जो आप टीम देख रहे हैं, ये हमारी अनअकैडमी लेट्स क्रैक गेट और आईएएस की टीम है, जो आपको बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम दैट इज अ गेट और आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। दैट इज अ संजय राठी सर, 6 मेंबर अभी हम लोग हैं। सुरचिन तेजावत सर इन द ब्रांच ऑफ सिविल, एंड मारुत तिवारी सर, अपूर मित्तल सर, आशु जांगड़ा एंड इसमी गौरव बाबू। मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिलहाल अभी पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी के लेट्स क्रैक गेट एंड आईएएस चैनल पे। और रिसेंटली इसका नाम जो था, दैट वाज अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज। तो रिसेंटली हमने इसका नाम चेंज किया है, और अब इसका जो नया नाम है, दैट इज़ द लेट्स क्रैक गेट एंड आईएएस। तो लेट्स क्रैक बोलते दोस्तों एक मन में एक एंथुजियाज डेवलप होता है, और हमारा मन करता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ाया था, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं कई बार, ठीक है, जो आपको गेट क्रैक करने बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए दोस्तों, लेट्स क्रैक इट। दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। कई बार मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ, तो आई वॉन्ट टेक मोर टाइम हेयर। ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लूँगा मैं, बस इतना ही बोलूँगा कि जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट उनके समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब वाले चैनल पे मैं 2 टाइम पढ़ा रहा हूँ। मॉर्निंग में 11 से 12:15 तक मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ फॉर ब्रांच एमई, दैट इज़ अ मैकेनिकल एंड पीआई ब्रांच, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच। इसके अलावा नाइट में मैं 9 से 10 पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर द ब्रांच सिविल एंड एमई। इसके अलावा मेरा रिसेंटली अनअकैडमी प्लस पे कोर्स लॉन्च हुआ है फॉर गेट 2021, जो कि फुल डेप्थ कोर्स है गेट 2021 के लिए, 2021 के लिए, ठीक है, माइंडेड फुल डेप्थ, फुल लेंथ कोर्स है ये, फुल डेप्थ और यू कैन से फुल लेंथ कोर्स है ये गेट 2021 के लिए अनअकैडमी प्लस पे, जो मॉर्निंग में मतलब दोपहर में 12 से 2 तक चलता है 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी प्लस के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लूँगा, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, जो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, जो किसी एक ऑफलाइन क्लास में आपको नहीं मिलती है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, माइंडेड प्लीज, टॉप एजुकेटर्स। तो घर बैठे आपको कहीं जाना नहीं है, इंडिया के वो एजुकेटर्स जिनके लिए बच्चे तरसते हैं, वो लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। बाकी इसकी क्या खूबियाँ हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं, और डिटेल में जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप अपने एजुकेटर से चैट पर बात कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पोल्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। बाकी दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जो हमेशा मैंने अपने वीडियोज़ में बोला है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट जो अनअकैडमी को बेस्ट बनाता है, ठीक। लर्न एनी टाइम एनी वेयर, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका जब मन करता है जब पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, इसके अलावा एनी वेयर, जहाँ चाहे वहाँ पढ़िए। जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग की एक कंडीशन है कि आपको कोचिंग में जाना ही पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको मोबाइल ओपन करना है अपना या लैपटॉप ओपन करना है, और जहाँ पे ही आप बैठे हैं वहाँ आपका वीडियो लेक्चर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ द अनअकैडमी। अनअकैडमी ने कई सारे सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवाए हैं यहाँ पे, 1 महीने का 3 महीने का 6 का 12 का 24 का, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने से पहले इस कोड को जरूर डाल दें, दैट इज अ जीपीएस लाइव, ये एक रेफरल कोड है जीपीएस लाइव। जैसे आप इस कोड को डालेंगे, आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का? 10% का। ये एक रेफरल कोड है, माइंडेड प्लीज, इस कोड को डालने का मतलब है कि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, गेट या आईएएस सेक्शन को चूज करना है, उसके बाद फिर यहाँ से जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं वो उठाना है, और पेमेंट करने से पहले ये कोड जरूर डालना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत बार बच्चे मुझ पर कॉल करके बोल रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने तो पेमेंट कर दिया है और जीपीएस लाइव कोड डालना भूल गए थे, क्या सर अब 10% का डिस्काउंट हो जाएगा? तो नहीं होगा बेटा, ये केवल तभी होगा जब आप पेमेंट करने से पहले इसको डालेंगे। अगर आपने पेमेंट कर दिया, ये कोड नहीं डाला, तो फिर आपको कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट दिस कोड, ओके। तो पेमेंट करने से पहले ये कोड आपको जरूर डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हम लोग पढ़ रहे थे
बेंडिंग थ्योरी, बेंडिंग थ्योरी के क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि पूरी बेंडिंग थ्योरी के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो क्या है, वो है बेंडिंग फॉर्मूला। अगर वो बेंडिंग फॉर्मूला आपको आता है तो सब कुछ आता है, वो नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता, ठीक। तो वो बेंडिंग फॉर्मूला क्या था, सिंपल थी इक्वेशन है, सिग्मा बेंडिंग अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर, चवन्नी भर का फॉर्मूला। और इस चवन्नी भर के फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं रुपये भर के, समझ में आ रही है बात। तो चवन्नी भर का फॉर्मूला याद कर लो, फिर बोल रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाना। एक सिंपल सी इक्वेशन और 50 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कल भी मैंने इस पर कई तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए थे, ठीक है दोस्तों। तो आगे फिर से मैं आगे बढ़ते हैं और फिर आज मैं फिर से नए क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और इसी इक्वेशन के ऊपर वो क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नई इक्वेशन आने वाली, इसी इसी इक्वेशन से वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, कुछ मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं सॉल्व करने हैं। ये फॉर द बीम्स लोडेड एज शोन इन फिगर डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो दो केस फिलहाल मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट केस, पहला केस है एक सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड विद यूडीएल, बीम की लेंथ है 2 मीटर्स और इस पर जो लोड है दैट इज हैविंग इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर। और इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम जो कि है 50 mm इंटू 100 mm, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो आपको इस केस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पता लगानी है, ठीक है। और एक केस और दे रहा हूँ, एक केस है ये सेकेंड वन, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 5 मीटर्स सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड हैविंग इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन, और इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज द आई सेक्शन। बीम का जो सेक्शन है दिस इज द आई सेक्शन। इन दोनों केसेस के लिए फटाफट से मुझे बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको फाइंड करनी है और इस आई सेक्शन का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, दिस इज 30 mm और इसको ले लेते हैं 50,
एंगल, ठीक है 30 एंड दिस इज 50। इसके अलावा इसका वेब और फ्लेंज की जो डायमेंशंस हैं वो मैं दे देता हूँ आपको। दिस इज द वेब, वेब पोर्शन रहेगा 5 mm थिक और फ्लेंज दोनों रहेंगे वो भी 5 mm थिक, ठीक है दिस इज 5 mm एंड दिस फ्लेंज इज ऑल्सो 5 mm, ठीक है करिए फटाफट से दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए मुझे। चलिए दोस्तों तो देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है इस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है पहले वाले पार्ट के लिए हमें निकालनी है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो दोस्तों सबसे पहले मैं बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई, ठीक है और क्वेश्चन बोल रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होनी चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एम को मैक्सिमम करना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेना होगा, आई कांस्टेंट है तो उसको तो छेड़ेंगे नहीं, आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वाई भी क्या लेना होगा, कल मैंने वाई के बारे में बताया था, वाई भी हमें मैक्सिमम ही लेना होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें मैक्सिमम लेनी है, जब इन दोनों चीज़ों को मैक्सिमम ले लेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगी। तो दोस्तों जो फर्स्ट वाला केस है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम, अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस केस के लिए क्या पता होना चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो दोस्तों केस फर्स्ट के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, इक्वेशन वन बोल देता हूँ उसको मैं, केस फर्स्ट के लिए एम मैक्स पढ़ाया था मैंने SFDBMD के टाइम पे, इस केस के लिए जो एम मैक्स वैल्यू होती है दैट इज़ अ WL² / 8, कितनी होती है WL² / 8, द वैल्यू फॉर दिस केस इज WL² / 8, ठीक है दोस्तों। अब W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू है 5 kN/m, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 5 kilo के लिए 10^3, और लेंथ की वैल्यू है 2² / 8, ठीक है 2 meter थी तो 2² / 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट विल कमिंग आउट 25, इट इज कमिंग आउट 2500 Nm, दिस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नाउ आई की बात करते हैं, आई आई क्या होता है किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का, आई होता है BH³/12, बी कितना दिया दोस्तों, बी दिया है 50, ये रहा बी और हाइट दी है 100, तो बी की जगह पे लिख दिया मैंने 50 इंटू हाइट की जगह पे लिख दिया 100³/12, इसको सॉल्व कर लेते हैं 50 × 100³/12, इट इज कमिंग आउट, और ये mm में था इसको मीटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इंटू 10^-12, इट इज कमिंग आउट 4.166 × 10^-6 मीटर फोर। दोस्तों mm में थी ये वैल्यू, मैंने इसको मीटर फोर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि b mm और h³ यानी mm³, तो b ये हो गया mm4, और mm4 को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.166 × 10^-6 मीटर फोर, ये आई की वैल्यू आ गई है। y max कितना होगा दोस्तों, y max यहाँ से मेजर करेंगे हम, ये न्यूट्रल एक्सिस होगा इसका, तो y max की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 mm, ठीक है y max की वैल्यू हो जाएगी 50 mm, कल बताया था मैंने y x मेजर करना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 mm, तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं 50 × 10^-3, ये बन गया मीटर। इन सारी वैल्यूज़ को दोस्तों पुट कर देते हैं ऊपर इक्वेशन वन में तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पता चल जाएगी। तो कितना 54 भर का क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो याद रखना है वो ये है, ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको क्या पता होगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट,
क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप उसको क्या करोगे, ड्राइव करोगे, ड्राइव करने में समय लगेगा, तो ड्राइव करने में समय लगेगा, तो इतना समय तो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज अ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। तो दोस्तों सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, वाई मैक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट करनी है और एम मैक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट करनी है, तो सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं और आई की वैल्यू भी यहाँ पे हमें पुट करनी है, आई की वैल्यू ये रही, इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम इज इक्वल टू एम मैक्स वैल्यू आई थी 2500 न्यूटन मीटर, ठीक है, और इधर जो वैल्यू आई थी दैट इज 4.166 × 10⁻¹, 4.166 × 10⁻⁶ मीटर फोर, और वाई की जो वैल्यू आई थी, वाई की वैल्यू आई थी 50 × 10⁻³ मीटर। देखिए दोस्तों मीटर 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 फोर कट गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2500 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁶, इट इज कमिंग आउट, पूरा सॉल्व कर करा के दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज कमिंग आउट ये आ रहा है 30 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं पास्कल्स। अब 10⁶ से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बेंडिंग मैक्स इज 30 MPa। तो 30 MPa आंसर आ रहा है दोस्तों, बाकी एक बार कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ की हो तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बाकी पूरा सॉल्यूशन ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पे है कि आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो बैकबोन है वो ये है कि अगर आपको जब तक ये नहीं पता इस वाले केस के लिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस केस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस केस के लिए आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो कि मैंने जब ये केस पढ़ाया था SFD BMD के टाइम पे तो बोला था कि प्लीज़ इस केस को जरूर याद कर लीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन गेट में आते हैं दोस्तों, ठीक है, आप जाइए चेक करिए एक बार कि इस तरह क्वेश्चन जरूर गेट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सार क्या था, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट व्हेन आ सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड विद UDL, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं, अब सेकेंड पार्ट को डील करते हैं, कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ 5 मीटर है और 10 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है, और उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ सॉल्यूशन फॉर पार्ट सेकंड, चलिए देखते हैं इसको। तो एक कैंटिलीवर बीम है लाइक दिस, जिसके इस एंड पर एक 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और इसकी जो लेंथ दे रखी दैट इज 5 मीटर्स, ठीक है, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इसके अलावा 30 और 50 का आई सेक्शन है और सारे वेव और फ्लेंज 5 मीटर, 5 mm 5 mm के हैं, ठीक है, 5 mm है दोस्तों, ये मीटर मत समझना, 5 mm, ठीक है। चलिए तो इस केस के लिए करते हैं सॉल्व इसको फटाफट से। सबसे पहले अगेन हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछी है, तो दोस्तों पहले हमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पता होना चाहिए। तो इस केस के लिए अगर मैं BMD बनाऊं तो क्या बनेगा, इस केस का BMD बनेगा, ये पढ़ाया था मैंने आपको, दैट इज एम मैक्स विच इज इक्वल टू W × L, W की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻³ और L की वैल्यू है 5, तो कितना आ गया दोस्तों ये 5 × 10³ न्यूटन मीटर, ठीक है, दिस इज द एम मैक्स। तो एम मैक्स तो काफ़ी आसान है, ये नेगेटिव में होगा बट हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैंने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ले लिया कितना, 5 × 10³ न्यूटन मीटर, ये वैल्यू हो गई किसकी, ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की, एंड दिस इज अवर BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। नाउ इसके अलावा
आई सेक्शन है, यहाँ बना देता हूँ मैं, 2 मिनट लगते हैं बनाने में। ये आई सेक्शन दिया हुआ है लाइक दिस, और इस आई सेक्शन का जो सेंट्रॉयड होगा वो कहाँ होगा, समवेयर हेयर, क्योंकि सिमेट्रिक आई सेक्शन है। तो ये बन गया न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस आई सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस आई सेक्शन, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वाई मैक्स, क्या बोलेंगे, वाई मैक्स। तो ये हो गई वाई मैक्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज द वाई मैक्स। ठीक, अभी वाई मैक्स की वैल्यू होगी कितनी चेक कर लो एक बार, ये दिया हुआ टोटल 50 और ये दिया 30। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 50 है तो ये कितना हो गया 25, और ये भी कितना हो गया 25। तो सबसे पहले वाई मैक्स की वैल्यू लिख दूँ मैं, तो वाई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 25 इंटू 10^-3 मीटर। ठीक है, एमएम में था इसलिए मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब बचता है आई, आई निकालना है इस आई सेक्शन का, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई सेक्शन। तो इस आई सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखें ध्यान से, आई सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो आई इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप क्या करिए, पहले इमेजिन कर लो कि ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल है, ये पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल है, और अगर ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 30 है, ये टोटल वैल्यू 50 है। तो इस बड़े वाले, इस पूरे बड़े वाले का, यस, इस पूरे बड़े वाले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 30 × 50³/12, ये बड़े वाले का हो गया। अब इसमें से ये छोटे वाले, ये वाले जिनको मैं हैचिंग, रेड हैचिंग लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली यहाँ पे है नहीं, इन दो छोटे वाले रेक्टेंगल का मोमेंटम इनर्शिया इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ये हैचिंग लाइन जो, तो माइनस कर दो 2 times किसका, छोटे वाले, ये वाले का मोमेंटम इनर्शिया। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये डायमेंशन पता होना चाहिए, टोटल 30 है, 30 में से ये वेव चला गया तो कितनी बची 25, 25 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 का आधा हो जाएगा 12.5, यानी ये बचेगा 12.5, कितना बचेगा ये 12.5, दिस विल बी 12.5, क्योंकि ये टोटल 30 है, 30 में से 5 ये कम कर दिया, 5 ये कम कर दिया तो बचा 25, और 25 का आधा कितना हो गया, क्योंकि दो पार्ट में बटा हुआ है तो आधा इधर और आधा इधर, तो कितना हो जाएगा ये 12.5 ये हो जाएगा, और 12.5 ये हो जाएगा, 25 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इधर आइए, टोटल ये है 50, 50 में से 5 इधर गए और 5 नीचे गए, 10 चले गए, तो ये कितना बचा टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगा 40 बचेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 2 times, अब ये हो गया छोटा ट्राइंगल, रेक्टेंगल ये वाला ब्लैक वाला, ये वाला इस वाले का और एक इस वाले का, इन दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 12.5 × 40³/12, ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या किया मैंने, पहले मैंने पूरे को रेक्टेंगल मान लिया है, बड़े वाले का ये हो गया, उसमें से फिर ये दो वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दिया है, तो अल्टीमेटली ये आई सेक्शन बचेगा। तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसका निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं एक बार। It is coming out it is coming out 179166.66 mm4. Let me check once again. एक बार मैं इसको दोबारा से चेक कर लूँ,
17916.66 mm4 बिल्कुल ठीक। अब mm4 आ रहा है तो उसको पहले मीटर फोर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो I इक्वल टू मीटर फोर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटू 10^-12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इज़ कमिंग आउट 1.791 × 10^-7 मीटर फोर, तो ये वैल्यू आ गई I की। ठीक है दोस्तों, ये I की वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं कहाँ पे, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूला में, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू एम मैक्स अपॉन आई इंटू वाई मैक्स। एम मैक्स की वैल्यू आई थी 5 × 10^3 ठीक है। वाई मैक्स की वैल्यू आई थी 25 × 10^-3 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आई है 1.7916 × 10^-7, ये आई की वैल्यू है। सारी वैल्यूज पुट कर दी दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम इक्वल टू सॉल्व करते हैं, सिक्स 97.67 मेगा पास्कल्स। तो सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, बस क्या निकालना होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, उसके बाद उसको बस फॉर्मूला पुट कर दो। तो कुल मिला के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें बहुत ज़्यादा नया नहीं है दोस्तों, सारा खेल होगा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करने का। अब जैसे एक वाला क्वेश्चन मैंने दिया, तो पहले आपको कैंटिलीवर बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पता होना चाहिए, तो आपने मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकाल लिया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फिक्स्ड एंड पे आता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आएगा, तो जहां मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आएगा उस एंड पे हमारी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, 54 वर्ग के क्वेश्चन होते हैं, मतलब अपना दिमाग इसमें खुला रखना है। तो दोनों क्वेश्चन में खासियत क्या बता दूं, पिछले क्वेश्चन में खासियत ये थी कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था यूडीएल के लिए, और इस वाले केस में मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर आई सेक्शन आ जाए तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कुछ भी नहीं करना, पहले पूरे बड़े वाले को, पहले इस पूरे को क्या मान लो कि ये पूरा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एक रेक्टेंगल है, ऐसे करके रेक्टेंगल का उसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BH³/12। उसके बाद इस पूरे जैसे येलो पार्ट ये मैंने कर दी, बड़ा रेक्टेंगल हो गया, इस बड़े रेक्टेंगल में से दो रेक्टेंगल आपको माइनस करने हैं, कौन कौन से वो मैं यहाँ बता देता हूँ, एक ये वाला रेड कर दिया मैंने क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे नहीं है, इतना मटेरियल वहाँ पे नहीं है, और ये वाला रेड। तो बस ये दो पार्ट समझने हैं आपको, तो पिछले क्वेश्चन में मूवमेंट था और इस वाले क्वेश्चन में आई सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको जनरली दिक्कत देती हैं, बाकी तो 54 वर्ग के क्वेश्चन आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस पूरे क्वेश्चन में, बाकी तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप इन दो क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक, आइए अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट, और मैं आपको कुछ बताता हूँ आज बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में, चलिए बात करेंगे यूज ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन को हम कैसे यूज करें, एक बार उसको और समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो बेंडिंग इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, सिग्मा बेंडिंग अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है,
तो ये हमारी पेंडिंग इक्वेशन है. इस इक्वेशन में इसको मैं बोल देता हूँ, लेट अस ज़ूम, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म. तो तीन टर्म इस पूरे बेंडिंग इक्वेशन के अंदर है. तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको यूज करते हैं. तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट टर्म को इक्वेट करते हैं सेकंड टर्म के संग. तो हमें क्या मिलेगा, जब हम फर्स्ट को सेकंड के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ, हमें मिलेगा सिग्मा बेंडिंग अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई. ठीक, यहाँ से बन जाएगा सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई. क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, एम अपॉन आई बाई वाई. ठीक है, फर्दर सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू एम अपॉन जेड. आप कहोगे जेड क्या है, तो वेयर जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई. जेड है रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन एंड द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज वाई. इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं जेड, और जेड का जो नाम है दैट इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस. क्या नाम है, सेक्शन मॉडुलस. ठीक, जेड इज द सेक्शन मॉडुलस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेक्शन मॉडुलस. तो जेड का जो नाम है दैट इज द सेक्शन मॉडुलस. एंड यू कैन सी हियर इफ इफ एम इज कॉन्स्टेंट, अगर एम की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, अगर एम किसी जगह पर कॉन्स्टेंट है, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि सिग्मा बेंडिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड. यानी कि अगर जेड बढ़ेगा तो सिग्मा बेंडिंग घटेगा, अगर जेड घटेगा तो सिग्मा बेंडिंग बढ़ेगा. ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको दो बीम दे दूँ और मैं बोलूँ कि कौन से बीम को आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपका आंसर होगा कि सर हम उस बीम को सेलेक्ट करेंगे जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा हो. वाई, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा बेंडिंग स्ट्रेस उतनी ही कम होगी. माइंड इट प्लीज, सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा बेंडिंग स्ट्रेस उतनी ही कम होगी. तो दोस्तों किसी भी आपके आप जो भी कंपोनेंट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम हो सकता है, बीम हो सकती है, ट्रस हो सकता है, फ्रेम हो सकता है, वॉट एवर, तो उसके अंदर डेवलप होने वाली स्ट्रेस ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. इट इज़ वेरी ट्रू, कम होनी चाहिए. क्योंकि स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज द इंटरनल थिंग, स्ट्रेस होती है बॉडी के अंदर की चीज़. हमारे जब सर में दर्द होता है तो हम लोग बोलते हैं सर में स्ट्रेस हो रही है, यानी हमारी बॉडी या हमारे सर में दर्द होता है तो हम बोलते हैं स्ट्रेस हो रही है, भाई स्ट्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रूम है, बोलते हैं ना. तो अगर आपके सर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी तो इट इज़ ऑब्वियस, मान लो आपका सर भयंकर फटा जा रहा है, तो इट इज़ वेरी ट्रू कि आपके मरने के चांस ज़्यादा होंगे. और एक बंदा जिसके सर में कोई स्ट्रेस ही नहीं है तो उसके मरने के चांस कम है. तो स्ट्रेस टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो ये किसी भी मटेरियल के लिए क्या है, सर, उसका सरदर्द है. और जितना ज़्यादा उस किसी बॉडी के अंदर सरदर्द होगा तो उस बॉडी के फेल होने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी. तो आप क्या चाहेंगे, उस बॉडी के अंदर दर्द ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए. इसलिए अगर दो बीम मैं आपको दे दूं तो आप ऐसा बीम सेलेक्ट करेंगे जिसका जेड ज़्यादा हो, क्योंकि जेड ज़्यादा होने से बेंडिंग स्ट्रेस कम हो जाएगी. आया बात समझ में, क्योंकि जेड का इनवर्स रिलेशन है बेंडिंग स्ट्रेस के साथ. यानी कि दो गिविन बीम्स में से हम उस बीम को सेलेक्ट करेंगे जिसके जेड की वैल्यू ज़्यादा हो. समझ में आ गया, तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा हमें हायर वैल्यू सेलेक्ट करनी है जेड की. इट शुड बी नोटेड दैट we should always select a beam or you can say section with high value of section modulus. ठीक है, हमें एक ऐसी beam select करनी है जिसके section modulus की value क्या हो, ज्यादा हो. ठीक है, एक example ले लेते हैं दोस्तों.
एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये कोई बीम है जिसका ये वाला जो डायमेंशन दैट इज अ विड्थ, विड्थ दे रखी है आपको 100, आप जो भी यूनिट चाहे ले सकते हैं, एमएम ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, और ये दे रखी है 40। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। कल मैंने आपको बताया था जब भी बीम की टॉर्शन की हम बात करेंगे या बेंडिंग की बात करेंगे तब तब हमें बीम की लेंथ से मतलब नहीं होता, उसके क्रॉस सेक्शन से मतलब होता है। तो एक क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब इसी सेम बीम को जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है और विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, मैंने उल्टा कर दिया, मतलब हाइट ज्यादा कर दी और विड्थ क्या कर दी, कम कर दी, मतलब इन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया 40 और ये कर दिया 100। उसी सेम बीम को ठीक है, और ये इसको मैं बोल रहा हूं केस टू। आप लोगों को बताना है सिग्मा बेंडिंग वन डिवाइड बाय सिग्मा बेंडिंग टू का रेशियो। देखिए दोनों सेम बीम है, दोनों सेम बीम, अंतर केवल इतना है इसको हमने इसको खड़ा करके रख दिया है, इसको आप चाहो तो खड़ा बीम बोल सकते हो, इसको पड़ा बीम बोल सकते हो, ठीक है। क्रॉस सेक्शन वही है, मतलब ये भी रेक्टेंगुलर बीम है, ये भी रेक्टेंगुलर बीम है, अंतर केवल इतना ये पड़ी हुई है और ये खड़ी हुई है। तो चेक करो कि इसका बेंडिंग स्ट्रेस इसका रेशियो क्या आ रहा है दोनों का, मतलब इसकी इसमें डेवलप होने वाली बेंडिंग स्ट्रेस और इसमें डेवलप होने वाली बेंडिंग स्ट्रेस का रेशियो क्या आ रहा है, जबकि दोनों बीम्स के ऊपर लगने वाला बेंडिंग मोमेंट सेम है। गेट मी द रेशियो, करिए फटाफट। देखिए दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा सिग्मा बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, ये पढ़ा हमने। दोस्तों इस इक्वेशन के थ्रू क्या मैं लिख सकता हूं सिग्मा बेंडिंग वन, अब ये बेंडिंग वाला टर्म हटा रहा हूं मैं, आप इसको केवल सिग्मा समझो, है ना, बेंडिंग हटाइए सिग्मा, हमें पता है बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वी नो दैट। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, तो क्या मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूं दोस्तों, सी केयरफुली, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इक्वल टू जेड टू बाई जेड वन, साफ साफ देख रहा है यही बनेगा इक्वेशन, जेड टू बाई जेड वन यही बनेगा, और आपसे यही वो पूछ रहा है कि इसकी बेंडिंग स्ट्रेस, इसकी बेंडिंग स्ट्रेस का रेशियो बताइए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अब ये बन गई हमारी इक्वेशन वन। अब पहले हम निकालते हैं जेड वन, जेड वन इस जेड वन क्या होगा, आई वन अपॉन वाई वन, ठीक है, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका वाई, तो ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हो जाएगा दोस्तों, तो इस केस के लिए वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, दैट इज हाउ मच वाई इक्वल टू 20, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है हमेशा, और इस वाले के लिए सेंट्रोइडल एक्सिस हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, और इसके लिए वाई की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आई हो जाएगा इसका बी, बी दिया है 100 और एच दिया है 40 क्यूब बाई 12, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले केस के लिए, पहले केस के लिए वाई की वैल्यू है 20, 20 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है।
सिमिलरली जेड टू की बात करेंगे, जेड टू क्या हो जाएगा, जेड टू हो जाएगा आई टू अपॉन वाई टू, आई टू कितना हो जाएगा बी एच क्यू बाई 12 और y की वैल्यू हो जाएगी उसके लिए 50, यही है दोस्तों 50। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू z1 की वैल्यू है 100 इंटू 40 क्यूब बाई 12 डिवाइडेड बाई 20 और इधर है 40 इंटू 100 क्यूब, 40 इंटू 100 क्यूब बाई 12 डिवाइडेड बाय 50, तो 12 से 12 तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। 100 इंटू 40 क्यू सिग्मा वन बाई, एक्चुअली ये उल्टा लिख दिया, जेड टू बाई जेड वन आएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनवर्स करके आ रहा है 2.5। दोस्तों ये वैल्यू यहाँ पर गलत लिख गई है, इसको मैं भी सही करता हूँ। तो ये बेसिकली उल्टा कर देता हूँ उसको, मैंने जेड वन की वैल्यू लिख दी है, ये जेड टू की वैल्यू आनी है यहाँ पर, तो जेड टू बाई जेड वन होता है। तो एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर पूरे को मिटा के इसको अलग कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिग्मा टू बाई सिग्मा वन, और ये मैंने जो ऊपर वैल्यू लिखी है जेड वन बाई जेड टू, उल्टा हो गया दोस्तों, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सिग्मा टू बाई सिग्मा वन का जो रेशियो आ रहा है फ्रॉम आफ्टर सॉल्विंग दिस 0.4, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन ने सिग्मा वन बाई सिग्मा टू, तो उल्टा कर देते हैं, तो सिग्मा वन बाई सिग्मा टू इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दिया तो आंसर आ रहा है 2.5, ठीक है 2.5। तो सिग्मा वन बाई सिग्मा टू इज कमिंग आउट 2.5, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस इन वन इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन टू। यानी कि चेक करते हैं एक बार, अब इसका एनालिसिस करते हैं एक बार, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, चेक करो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 100 इंटू 40, और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है ये भी, 100 इंटू 40, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों पे सेम बेंडिंग मूवमेंट एम लगाया हुआ है, इस पे भी एम है, इस पे भी एम है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सेम क्रॉस सेक्शन है, सेम एरिया है, मतलब सेम बेंडिंग मूवमेंट है, तो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट की अपेक्षा ढाई गुना ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है, माइंड इट प्लीज, ढाई गुना ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है। समझ में आ रहा दोस्तों बात, 2.5 टाइम्स ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है पहले वाले पार्ट में, यू नो व्हाई, क्योंकि अब अगर मैं जेड वन जेड टू का रेशियो आपसे पूछूं, जेड वन बाई जेड टू, तो जेड वन बाई जेड टू का रेशियो आएगा 0.4। क्यों आएगा, क्योंकि सिग्मा वन बाई सिग्मा टू का रेशियो कितना है 2.5, और मैं पूछ रहा हूँ जेड वन बाई जेड टू, तो 2.5 का इन्वर्स कर दो, तो 2.5 का जब आप इन्वर्स कर देंगे कितना आ जाएगा 0.4,
यानी कि यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि जेड वन इज 0.4 टाइम्स ऑफ जेड टू, यानी कि 40% ऑफ जेड टू, यानी कि जेड टू इज ग्रेटर देन जेड वन, यानी कि दूसरे वाले बीम का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा है पहले वाले बीम से, दूसरे वाले बीम का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा है पहले वाले बीम से, और जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा उसके अंदर स्ट्रेस क्या होगी, कम होगी। यहां से हमें यह दिख रहा है कि सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू, और यहां से हमें यह दिख रहा है कि जेड वन इज लेस देन जेड टू, यानी कि जिसका जेड कम है उसकी स्ट्रेस ज्यादा है, जिसका जेड ज्यादा है उसकी स्ट्रेस कम है। इसलिए क्या याद रखना है हमें, हमें वो बीम सेलेक्ट करनी है जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा हो। आ रही बात समझ में, हमें वो बीम सेलेक्ट करनी है जिसका सेक्शन मॉडुलस क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो ये तो हो गई सेक्शन मॉडुलस की बात, आई होप कि ये वाला एग्जाम्पल आपकी समझ में आया होगा। इसलिए बेटा हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप कभी प्रैक्टिकल रेक्टेंगुलर बीम अगर देखेंगे, कभी भी जिंदगी में जाना कहीं देखना, तो आपको रेक्टेंगुलर बीम में हमेशा हाइट ज्यादा मिलेगी, विड्थ कम होगी, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेकिन क्या देख रहे हैं हम लोग कि हाइट हमेशा ज्यादा होगी किससे, विड्थ से, ये विड्थ हो गई। ठीक है, तो आप जब भी किसी प्रैक्टिकल बीम को देखेंगे, आप जाइए कंस्ट्रक्शन कोई साइट, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, साइट बन रही हो, वहां पे जाइए और चेक करिए, तो सबसे ज्यादा रेक्टेंगुलर बीम आपको दिखाई देगा। उसमें भी कैसा, उसमें भी आपको ऐसा रेक्टेंगुलर बीम दिखाई देगा जिसकी हाइट ज्यादा होगी और विड्थ कम होगी। क्यों? ऐसा करने से सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू बढ़ जाती है और फॉर द गिवन बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हमेशा एक प्रैक्टिकल वैल्यू याद कर लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब भी आप मार्केट में कभी जाएं उस चीज पर गौर फरमाना कि जो हाइट होगी बीम की वो हमेशा उसके विड्थ से ज्यादा होगी अगर बीम रेक्टेंगुलर है, और ये जो रेशियो होगा हाइट ऑफ विड्थ का, ये करीब 1.5 गुना से 2.5 गुना तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी हाइट विड्थ के 1.5 गुने से 2.5 गुनी तक हो सकती है, यानी हाइट हमेशा बड़ी होगी और विड्थ हमेशा कम होगी। मतलब अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो वो पड़ा हुआ रेक्टेंगुलर बीम नहीं होगा, हमेशा कैसा बीम होगा, खड़ा हुआ। ऐसा करने से उसका सेक्शन मॉडुलस बढ़ जाता है, और सेक्शन मॉडुलस के बढ़ने से उसके अंदर डेवलप होने वाली बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है। आई दोस्तों बात समझ में, उसके अंदर डेवलप होने वाली बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये इसके पीछे का फंडा है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, किसके लिए, किसी भी एक रेक्टेंगुलर बीम के लिए, वो बच्चे जो सिविल ब्रांच से खास तौर से। ठीक है, हाइट ज्यादा होगी उसकी विड्थ से। चलिए नाउ आगे मूव करते हैं हम, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ बेंडिंग इक्वेशन, जिसमें हमने अभी दो पार्ट को डील किया, फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने बेंडिंग स्ट्रेस और मोमेंट के साथ एक रिलेशन फाइंड आउट किया, जिसको हमने सेक्शन मॉडुलस नाम दिया। यहाँ पे ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं दोस्तों। नाउ अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ, इसी चीज़ से जो बहुत ही काम में आने वाली है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ मैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर सेफ डिज़ाइन, फॉर सेफ डिज़ाइन, अगर आप किसी बीम की डिज़ाइन कर रहे हैं, सेफ डिज़ाइन आपको करनी है, तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे उसके अंदर डेवलप होने वाली मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए किससे, अलाउएबल स्ट्रेस से, यही सेफ की कंडीशन है, या फॉर द लिमिटिंग केस बराबर होनी चाहिए, सेफ कंडीशन है, दिस द सेफ कंडीशन। वी नो दैट कि जो भी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होने वाली है बीम के अंदर, वो उस बीम के मटेरियल की अलाउएबल स्ट्रेंथ से क्या हो, कम हो या बराबर हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेंडिंग स्ट्रेस अलाउएबल स्ट्रेस से ज्यादा होगी तो बीम फेल कर जाएगी, तो दिस इज अ सेफ डिजाइन। और अभी अभी हमने पढ़ा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, एम, यहां लिख देता हूं मैं एक बार,
बेंडिंग स्ट्रेस का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट इज अ एम अपॉन जेड, और अगर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है तो क्या हो जाएगा, एम मैक्स अपॉन जेड, यही हो जाएगा, ठीक है, एम मैक्स अपॉन जेड। तो लिसन केयरफुली दोस्तों, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ एम मैक्स अपॉन जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा एल आउट। तो यहां से एम मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा एल आउट इंटू जेड। लिसन केयरफुली नाउ, और ये जो सिग्मा एल आउट इंटू जेड है, आज से हम इस टर्म को बोलेंगे एम आर। क्या बोलेंगे, एम आर, यानी कि एम मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू एम आर। अब ये एम आर क्या बोला है समझाता हूं मैं, वेयर एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एल आउट इंटू जेड, जिसका नाम होगा दोस्तों आज से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका नाम है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, सिग्मा अलाउ इनटू जेड, जिसका नाम है एम आर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। या इसका दूसरा नाम होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। क्या नाम होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्यों बोलते हैं, वो भी समझ लें जरा, लिसन केयरफुली। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं स्ट्रेंथ नाम से, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, लेकिन इसका जो यूनिट होता है मूवमेंट वाला यूनिट होता है, दैट इज अ न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है, डोंट डू नॉट गेट कन्फ्यूज एवर, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जरूर बोलते हैं, बट इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, मूवमेंट वाला। व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मैं बताता हूँ आपको। अब पहले से एम आर का मतलब समझते हैं, एम आर का मतलब क्या है, एम आर का जो फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, सिग्मा एल आउ इंटू जेड। सिग्मा अलाउ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये आप लोग जानते हैं, फिक्स होती है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, मतलब अलाउबल स्ट्रेंथ होती है ये। और जेड क्या है दोस्तों, जेड होती है प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन, क्योंकि अभी अभी हमने देखा सेक्शन जब ऐसा था तो जेड की वैल्यू कुछ और थी, सेक्शन ऐसा कर दिया तो जेड की वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं सेक्शन ऐसा कर दूंगा फिर जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर मैं सेक्शन सर्कुलर कर दूंगा फिर चेंज हो जाएगी, अगर मैं सेक्शन आई कर दूंगा फिर से उसकी जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी जैसे जैसे सेक्शन चेंज होगा उसके जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अब ध्यान से सुनिए, सिग्मा अलाउ होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल और जेड होता है प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो बना दैट इज द एम आर। तो एम आर क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी मत बोलना प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, एम आर होता है प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। तो एम आर रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। अब इमेजिन करो कि ये सारे सेक्शन स्टील के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मटेरियल तो कॉन्स्टेंट हो गया, मटेरियल तो कॉन्स्टेंट हो गया, यानी कि सिग्मा अलाउ तो कॉन्स्टेंट हो गया, यानी कि एम आर किस पर डिपेंड किया, जेड पे। किस पर डिपेंड किया, जेड पे। दोबारा सुनेंगे, मैं बोल रहा हूं कि ये सारे सेक्शन है, सबका एरिया मान लो सेम है, मटेरियल भी सबका सेम है, लेकिन शेप अलग अलग है, ये पड़ा हुआ रेक्टेंगल, ये खड़ा हुआ रेक्टेंगल, ये ट्राइंगुलर, ये सर्कुलर, ये आई सेक्शन। मान लो कि इनका एरिया सेम है और मटेरियल भी सेम है, तो दोस्तों क्या सेम हो गया, मटेरियल सेम होने से इसकी जो अलाउबल स्ट्रेस होगी वही इसकी भी होगी, वही इसकी भी होगी, वही इसकी भी, सबकी अलाउबल स्ट्रेस सेम हो गई, अलाउबल स्ट्रेंथ। लेकिन जेड सबका अलग अलग होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि इसका जेड कुछ और था और इसका जेड कुछ और था, तो कुल मिलाकर इन सबका जेड अलग अलग होगा। तो इन सबका जेड अगर अलग अलग होगा, मटेरियल भले सेम है लेकिन जेड अलग अलग है, तो इट इज वेरी ट्रू कि इनका एमआर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसलिए एमआर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं है, एमआर है प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मटेरियल के चेंज होने पे चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही सेक्शन चेंज होगा एमआर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दोस्तों समझ में आ रहा है, एमआर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और एमआर की वैल्यू चेंज होने का सिंपल सा मतलब है कि सेक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यानी कि एम आर रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। माइंड इट प्लीज, कभी भी मत बोलिएगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे सेक्शन चेंज होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, मतलब उसके मॉडुलस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसके चेंज होने से एम आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। अब ध्यान से सुनिए, रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन आया था ये,
इस रिलेशन को दोस्तों मैं आगे लिख रहा हूं, रिलेशन आया था एम मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू एम आर, ये निकल के आया था। ये कंडीशन किसकी थी, ये सेफ कंडीशन थी, ये सेफ कंडीशन थी, चेक करो यार, मैंने कहीं अपने से नहीं बनाई है, खुद ही यहां पर देख रहा है, सेफ डिजाइनिंग की कंडीशन थी। और एम मैक्स क्या है, ये एम मैक्स है, ये वो बेंडिंग मूवमेंट है जो बीम पे अलाउ करेंगे, बीम पे लगाएंगे। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, एम आर जितना ज्यादा होगा, एम आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन, एम आर किसी सेक्शन का जितना ज्यादा होगा यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है आप उस बीम के अंदर, ये कौन सा मूवमेंट है एम मैक्स, ये अप्लाइड मूवमेंट है जो हम बीम के ऊपर लगा सकते हैं, दिस इज द अप्लाइड मूवमेंट जो हम बीम के ऊपर लगा सकते हैं, मैक्सिमम अप्लाइड मूवमेंट। यानी एम आर अगर ज्यादा होगा किसी बीम का, एम आर का मतलब उसकी प्रॉपर्टी, अगर एम आर किसी बीम का ज्यादा है तो उस बात का मतलब है उस बीम पे हम उतना ही ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कैसे, विदाउट फेलियर, विदाउट फेलियर, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये किसकी है, ये विदाउट फेलियर की कंडीशन है, सेफ कंडीशन है ये। यानी एम आर अगर किसी वस्तु का ज्यादा है, किसी शाफ्ट का ज्यादा है, सॉरी बीम का, बीम पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर एम आर की वैल्यू किसी बीम की ज्यादा है, मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इस बात का मतलब है वो बीम उतना ही ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट झेल सकता है विदाउट फेलियर, इस बात का फिजिकल मतलब ये है। यानी किसी वस्तु का अगर एम आर ज्यादा आ रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि वो शाफ्ट या वो बीम उतना ही ज्यादा मूवमेंट को कैरी कर सकती है, यानी उसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी विदाउट फेलियर। आई बात समझ में, उस बीम की मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि कुल मिला के एम आर एक तरह से मूवमेंट कैरिंग एबिलिटी को बताता है कि मूवमेंट कैरी करने की कितनी एबिलिटी है। हायर द वैल्यू ऑफ एम आर, हायर विल बी द मूवमेंट कैरिंग एबिलिटी ऑफ अ बीम विदाउट फेलियर। ठीक है, यानी अगेन हमें गिवन बीम्स में से वो बीम सेलेक्ट करना है जिसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ऐसा करने से क्या होगा, हम उसके ऊपर उतना ही ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर पाएंगे, मतलब वो बीम उतने ही ज्यादा मूवमेंट को ट्रांसफर कर पाएगी विदाउट फेलियर। ठीक है, क्योंकि फेलियर नहीं हो पा रहा है इसीलिए नाम बना स्ट्रेंथ। ठीक है, इसीलिए इसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है कुछ मैं बोल रहा हूं? ठीक है, तो एम आर के बढ़ने का मतलब है उसकी मूवमेंट कैरिंग एबिलिटी बढ़ना। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ एम आर, हायर द वैल्यू ऑफ एम आर, एम आर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट वो बीम कैरी कर पाएगी, वो भी कैसे, विदाउट फेलियर। यानी कि एम आर के बढ़ने का मतलब है मूवमेंट कैरिंग एबिलिटी का बढ़ना। समझ में आ रहा है, मूवमेंट कैरी करने की एबिलिटी बीम की बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए दो गिविन बीम्स में से हमें वो बीम सेलेक्ट करनी है जिसका एम आर ज्यादा हो। अब फिर से ध्यान से सुनो, एक और चीज जो यहां काम की है, वो चीज जो आपको समझनी है, फिर से ये समझना है। अब मैं कुल मिला के लौट के फिर से आ जाता हूं एम आर पे। व्हाट इज द एम आर, एम आर क्या है दोस्तों, एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एलाउ इनटू जेड। अब सिग्मा एलाउ क्या होता है दोस्तों, सिग्मा एलाउ कांस्टेंट होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, यानी कि एम आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो कुल मिला के लौट फिर के कहां गए हम, फिर से जेड पे आ गए, यानी जेड जितना ज्यादा एम आर उतना ज्यादा, एम आर जितना ज्यादा मूवमेंट कैरिंग एबिलिटी उतनी ज्यादा, विदाउट फेलियर, विदाउट फेलियर। आ रही दोस्तों बात समझ में, यानी कि अगेन सारा खेल लौट फिर के आ गया जेड पे। तो पहले भी मैंने बोला था कि हमें वो बीम सेलेक्ट करनी है जिसका जेड ज्यादा हो, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें वो बीम सेलेक्ट करनी है जिसका जेड ज्यादा हो, क्योंकि जेड जिसका ज्यादा होगा उसका एम आर भी उतना ही ज्यादा होगा फॉर अ सेम मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को प्लीज याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आज आपको बताई है ये। ठीक है, बाकी की कार्रवाई करेंगे दोस्तों कल, समय ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है। ठीक है, और एक घंटे ज़्यादा लेक्चर अलाउ नहीं है यूट्यूब के ऊपर, तो दोस्तों इसको प्लीज़ याद रखेंगे, बहुत बड़ी बात मैंने बताई है, जेड जितना ज़्यादा उतना ही मूवमेंट कैरिंग कैपेबिलिटी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो जाइए एक बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाइए, चेक करिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या नहीं गेट में जो आज मैंने कराए हैं, बाकी की कार्रवाई करेंगे कल।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, मुलाकात होगी कल। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, बाकी जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर हिट कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उस कोड को जरूर डाल दें ताकि आपके 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, मिलते हैं कल, गुड नाइट।